एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे? हम भी एकदम बढ़िया है। मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं घर पे ही होती थी तो व्लॉग में कुछ दिखाने को नहीं होता था। तो दो दिन पहले मैं मामू के घर आई थी, आज वापस जा रही हूँ। मिली है मेरी मामू की बेटी से, जो कि साल में एक बार देखने को मिलती है मुझे भी। हाय गाइस। तो अभी मैं इसको अपने घर लेके जा रही हूँ क्योंकि साल में एक बार आना होता है मेरी बहन का, मेरी प्यारी सी बहन का। अभी हम पर घर नहीं जा रहे, एक घंटे बाद जाएंगे क्योंकि अभी हम नानी के घर जा रही हूँ। मैं अपनी नानी के घर, तो मेरे जो छोटे मामू हैं उनका घर थोड़ा सा ऊपर है। काफ़ी टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट लग जाता है। मेरे नानू बहुत बीमार हैं तो उनसे भी मिलना हो जाएगा और थोड़ी बातें भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता व्लॉग बनाने का। तो आज मज़े मज़े में चलते हैं। वैसे मेरे घर के लिए आधा घंटा लगता है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर, मेरे मामू के घर से। तो मैंने सारा सामान अपनी प्यारी सी बहन के पास दे रखा है। मौसम इतना ख़राब है, जिस दिन मैं आई थी उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। हाँ, मैच करा इसलिए दिया मैंने तेरे पास। तो आज भी मौसम ख़राब है, देख रहे होगे आप लोग कितना मौसम ख़राब है। बारिश कभी भी हो सकती है। हम आधे घंटे एक घंटे तक ऊपर बैठेंगे फिर हम घर चले जाएंगे। व्यू ही दिखा दूंगी, दिखा दिया जी व्यू तो मैंने। ये देखिए मेरे मामू के घर, थोड़े थोड़े दिख रहे होगे आपको। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। आ रही है? हाँ। मैं तो पहले बुरी थी। अब हमारे पास एक अम्ब्रेला है ताकि मैं नीतिका को बारिश में खूब भिगाऊंगी आज। वैसे बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, खेतों में भी देखिए कितनी अच्छे से नमी हो गई है। तो अब आप नीतिका जी काम कर सकते हो खेत में, अगर आपको आता है तो। हाँ, मैं कभी लगाऊंगी। वैसे हाँ, लगा सकते हो आप। वो भी मटर बीन्स लगाऊंगी। तैयार करूंगी मैं। तो बारिश भी हो रही है, अब हमें ऊपर मामी को बोलना पड़ेगा कि गाय को अंदर बांध लिया जाए। आप भी बांध सकते हो वैसे? नहीं, इनके तो सिंह भी बड़े बड़े हैं यार। मैं तो अपने भी नहीं मानती। हाँ यार, ये तो है। अभी जैसे काफी टाइम बाद आती हूँ ना, यहाँ पे देखिए पहचानते ना गाय पहचानते, सब मारने को जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीतिका का बचपन यहाँ पे गुजरा है, बट ये अब गोबर डाल दिया है यहाँ पे। मेरा बचपन गुजरा, तेरा कहाँ गुजरा? मेरा भी यहाँ पे यही गुजरा था, इसी नहीं पत्थरों के बीच। हाँ, मैं ये जगह हमेशा दिखाती हूँ आपको। नहीं, मुझे तो याद नहीं आता। नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि मैं पाजा में झूला करती थी। तुम तो पता नहीं क्या कह रही हो। ये शिवरात्रि में काम आता है, शिवरात्रि की पूजा होती है मतलब इस बार। ये देखिए जी, यहाँ पे है गांव। नीचे कहाँ रहा नीतिका जी का घर? नीचे बड़ा दूर है। और नानू के घर हम पहुँच गए। ये देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा ये वाला घर जो। तो हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं। अगर आपको ठंड लगी तो ये जैकेट आप कैरी कर सकते हो क्योंकि आप शर्ट शर्ट में हो आज। इससे मत चले जाना, इससे मत चल जाना, आप साइड से आओ ना। माय गॉड, मेरे को तो पता ही नहीं है, अपने घर का मेरे को ही नहीं। नहीं, आपको काफी टाइम बाद आपका भी। इश, मैं सोचू मैं कहा वो डर गई थी। वो ये किसका डॉगी है? ये कैसे कर रहा है यार? तो कर रहा है जी भी। ये भी तेरी तरह शायद। दादी के घर तो गंदे है, गंदे भी है। और नानी को मैं इजी कहती हूँ तो मुझे लग रहा है कि हमें देखने बाहर ना आ गए वो सारे। या ये चला गया, ये चला गया अंदर। मेरे को लग तो नहीं रहा इसके लिए ये छत्रु तो है। रुक जा एक मिनट यार, प्लीज इसको निकाल पहले। अरे यार, तू यहाँ नहीं आ सकती। मैंने था तो बेटे यहाँ पे धुआं धुआं हो गया। मेरे इजी बेचारे बीमार पड़े हैं, अब क्या करें। नमस्ते इजी, क्या करूँ अब? आप अकेले और नहीं कोई तो मुझे भी जगह दे सकते हो आप नीतिका जी। यहाँ पे आग जली है मजे में। तो अंदर तो गाइस कोई भी नहीं है, नानू सो गए हैं सारे सारे, पता नहीं कहाँ गए। इजी थे
तो अभी हम ले जा रहे हैं कुछ मिट्टी ले जा रहे हैं गाय के लिए, मिट्टी ले जा रहे हैं थोड़ी सी यहाँ से लाल मिट्टी, क्योंकि मेरी गाय को ना कुछ बीमारी हो गई है तो उसके लिए लाल मिट्टी लगानी पड़ती है। तो अभी हम खोद रहे हैं मिट्टी, देखते हैं जरा लाल मिट्टी हमें यहाँ अगर कहीं मिल जाए। मिली, देखिए हमारे इज्जी कस्सी लेके पहुंच चुके हैं मिट्टी के लिए। इधर दे दो, हम खोदेंगे यार, ऊपर क्यों नहीं करती। ये लाल है, लग तो नहीं रही, लाल तो नहीं लग रही भाई, ये तो काली है। पूरे खेत में खोद दे तू, हम जाएंगे पार में अनितिका। ठीक है चल, मैं और तू चलते हैं। अब क्या करें? अभी हमें मिट्टी नहीं मिल रही है, वहां जाना पड़ेगा पार, इतनी दूर कौन जाएगा। तो हम अब सोच रहे हैं कहां से मिट्टी लाए। सर फाइनली थोड़ी सी हमें मिट्टी मिली है, लाल मिट्टी, तो अब हम इसे कहीं ले जा रहे हैं। बट अब हम इसको ले जा रहे हैं कहीं मतलब मंत्र के देने वाले हैं, फिर हम गाय को लगाएंगे और गाय उससे ठीक हो जाएगी। बेचारी मेरी गाय बहुत बीमार है और अब बारिश भी आ गई है थोड़ी थोड़ी, अब हमें जाना पड़ेगा घर जाना पड़ेगा। गाइस अभी गाइस कहीं जा रहे हैं? अभी तो नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमने उनके पास जाना है। ऊपर पास ऊपर बैठना पड़ेगा जिन्होंने मिट्टी। हाँ तो बैठ जाएगी ऊपर यार, लेट हो रही है, बारिश ज्यादा ना हो जाए कहीं। तो देखिए गाइस कितनी बारिश आ रही है और हम कैसे जाएंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही बोला था कि चलते है। मैं तो यार अब क्या करें, अब कैसे जाए। अभी शाम तक बहुत टाइम है यार, चले जाएंगे। बट मैंने इसे पहले ही कहा था कि टाइम से निकल जाता है, बट इसने मेरी एक नहीं मानी। अब अंदर बैठते हैं इजी के साथ और क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं अंदर, क्या कर सकते हैं। अब 5-10 मिनट वेट करते हैं, चले जाएंगे। थोड़ी सी आग जली है, आप थोड़ी सी ज्यादा इसमें लकड़ी डाल सकते हो क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। उफ ठंड लग रही है यार। अरे यार ये ना ऐसी होनी बारिश शाम तक, देख लियो। ठीक है जी, ओके बाय। चलिए तो मेरी मुन्नी प्यारी। तो बारिश अब रुक चुकी है, बारिश गाइस रुक चुकी है, अब हम जा रहे हैं। क्यों नहीं है यार, बारिश बिल्कुल रुक गई है बारिश। ओके टाटा बाय बाय। यार मुझे लगा मेरी भीख तो नहीं गई, मैं कहा बहुत कीचड़ है यार यहाँ से। उफ तुम्हारे कहाँ पे ऐसे रास्ते है यार, हमारे दिखियो गाँव में सड़क में होते सबके घर। अब आजकल घर घर तक नहीं नहीं घर घर तक सड़क पहुंच गई ना, मीन्स घर तो कहीं जा सकते, सड़क तो आ सकती है ना। तो अब हम देखिए ऊपर गांव जा रहे हैं जहाँ पे हमें वो पंडित जी मिलेंगे। ये देखिए ये है एक बड़ा सा पेड़ जो कि बहुत साल पुराना है। यहाँ पे काली का है, यहाँ पे गांव के लोग कभी कभार पूजा पाठ कर लेते हैं। हम घर की ओर चल पड़े हैं, वो हमारा काम हुआ नहीं मिट्टी वाला काम क्योंकि वो घर पे है ही नहीं है, तो अब क्या करें। तो अब हम ऐसे ही जा रहे हैं घर और इतनी हवा है गाइस, बहुत ठंडे हो रहे हैं मेरे हाथ। तो आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर थोड़े आगे पहुँच जाएंगे। अभी देखिए हमें कितना लंबा है वहाँ, मेरा घर भी दिख रहा है यहाँ से, मैं दिखा कह रही हूँ। तो अभी रास्ता काफ़ी लंबा है, आधे घंटे का। नीतिका जी भी यहाँ पे पूरी पैक हो चुकी है, हाई नेक मुँह के अंदर डाल दे, मुंह के ऊपर, सॉरी मुंह के अंदर सामने से। हाँ सच में यार मुंह फैलाना चाहिए था यार, सच में है ना। छतरी उड़ गई थी अभी, नहीं नहीं छाता तो मैंने, छतरी तो मैंने बंद कर दी अपनी, सड़क तो चलेगी आधी जाने वाली है मेरी। वेयर आर यू गोइंग वो बहुत चला था आजकल यार, है ना, उस पे रील डाल दियो एक वायरल हो जाएगी। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बिना टाइम वेस्ट किए तो क्या करने वाली है। तो
थोड़ी देर में मिलेंगे बाप को हम। तो देखिए गाइस, हम लोग घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है। तो आज के ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हुआ हमारा ब्लॉग, हमारा प्यारा सा ब्लॉग। हमने बहुत अच्छी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा बन पाए। तो अब आपको कल मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कल हमें सफाई भी करनी है, बहुत सफाई करने के लिए शिवरात्रि के लिए। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। यार ये क्या, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय करो, बाय करो, बाय।